हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 10 है आपका और माटी निहाल हो गई। ये आपकी क्या है, एक कहानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पेज नंबर 76 में है आपका चैप्टर 10 और माटी निहाल हो गई। देखिए अपने अपने बुक्स में आपको पाठ प्रवेश के बारे में बताया गया है कि बच्चों आप जानते हैं कि हमारे देश में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा गाई जाती है, ठीक है ना। स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों के साथ साथ अनेक महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है, जिसमें प्रमुख हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, दुर्गावती, कालीबाई आदि, ठीक है ना। तो आइए आज हम पढ़ते हैं एक ऐसी ही वीरांगना की कहानी, ठीक है। आपको यहाँ पर एक वीरांगना की कहानी बताई गई है। देखिए, राजस्थान के एक जिले डूंगरपुर में एक गांव है जिसका नाम है रास्तापाल। क्या नाम है गांव का? रास्तापाल, ठीक है। रास्तापाल के विद्यालय की हवा में गीत गूंजते थे। उन गीतों में मातृभूमि के लिए प्यार भरा होता था। क्या होता था उन गीतों में? मातृभूमि के लिए प्यार होता था, ठीक है। इसी गांव में दो अध्यापक रहते थे, एक का नाम नाना भाई खांट जी और दूसरे का नाम सेंगा भाई था। ये दोनों अध्यापक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ देश प्रेम की भी शिक्षा देते थे। क्या करते थे वो? बच्चों को स्कूल में पढ़ाते भी थे, यानी किताबी ज्ञान भी देते थे और देशभक्ति की शिक्षा भी देते थे, ठीक है। उन दिनों हमारा देश क्या था? गुलाम था। अंग्रेज सरकार भारतवासियों को तरह तरह से क्या करती थी? सताती थी, ठीक है ना, उन्हें परेशान करती थी। नाना भाई और सेंगा भाई को अंग्रेजों से क्या थी? बड़ी घृणा थी। घृणा यानी नफरत थी, ठीक है। जब भी अंग्रेज गांव वालों पर अत्याचार करते, दोनों अध्यापकों का क्या हो जाता था? खून खौलने लगता था, यानी उनको बहुत अत्यधिक क्रोध आने लगता था, ठीक है। वे चाहते थे कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी स्वतंत्रता संग्राम में क्या करें? भाग लें, ठीक है, आज़ादी की लड़ाई में भाग ले। वे बच्चों को देशभक्तों की कहानी सुनाते थे। वो क्या करते थे? बच्चों के अंदर देशभक्ति जगाने के लिए क्या करते थे? देशभक्तों की क्या करते थे? उन्हें कहानी सुनाते थे, ठीक है। अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए नित नए क्या करते थे? ढंग सिखाते थे, यानी तरीके सिखाते थे ताकि अंग्रेजों को भारत से भगाया जा सके। अंग्रेज सरकार को इसकी भनक लग गई। भनक लग गई यानी इसकी जानकारी अंग्रेजी सरकार को हो गई, ठीक है। बस फिर क्या था, मजिस्ट्रेट दल बल सहित विद्यालय में आ धमका, ठीक है। उसने डपट कर कहा, यह विद्यालय अभी बंद करो। क्या कहा उसने? कि यह विद्यालय यानी स्कूल अभी बंद कर दो। आपके कहने से हम विद्यालय बंद नहीं करेंगे। किसने कहा? सेंगा भाई ने निर्भीकता से उत्तर दिया। निर्भीकता यानी बिना डरे, ठीक है ना। अंग्रेजों से बिना डरे उन्होंने क्या कहा? कि आपके कहने से हम विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। इतना सुनना था कि मजिस्ट्रेट आपे से बाहर हो गया, यानी वो भी बहुत क्रोधित हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बात को टालो, ठीक है। वह चिल्लाया। क्या किया उसने? क्या किया उसने? अध्यापक पर वो चिल्लाया यानी गुस्सा हुआ। बांध दो इसे जीप के पीछे। उसने क्या दिया? यह ऑर्डर दिया कि क्या कर दो, आप इस अध्यापक को जीप के पीछे बांध दो। उसने सिपाहियों को आदेश दिया। इससे पहले कि सिपाही आगे बढ़ते, नाना भाई गरज उठे, खबरदार अगर किसी ने सेंगा भाई को हाथ भी लगाया तो। यानी जो दूसरे अध्यापक थे नाना भाई, वो क्या हो गए? अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने क्या दी? सरकार को, अंग्रेज सरकार को धमकी दी कि अगर आपने इनको हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि सिपाहियों ने उन्हें बंदूक की मूठ से पीट पीट कर क्या कर दिया? अधमरा कर दिया। अब देखो, बंदूक की मूठ, मूठ यानी पीछे का जो हत्था होता है, जो लकड़ी का हत्था होता है, उससे उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? उनको पीट पीट कर अधमरा कर दिया। उसी विद्यालय में कालीबाई नाम की एक छात्रा भी पढ़ती थी, ठीक है। उसकी आयु केवल 13 वर्ष की थी। कितने साल की थी वो? 13 साल की थी। उससे यह दृश्य नहीं देखा गया। उसने जब देखा कि अध्यापक को इस तरह बुरी तरह से पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो उससे यह दृश्य नहीं देखा गया। वह तेज़ी से आगे बढ़ी। उसने जीप का रास्ता रोक लिया। छोड़ दो, छोड़ दो हमारे गुरुजी को, कहते हुए सिपाहियों से उलझ गई, ठीक है। जीप के आगे आकर वो क्या हो गई? सिपाहियों से उलझ गई। उसने क्या कहा? कि आप हमारे अध्यापकों को क्या कर दो? छोड़ दो, मुक्त कर दो। पुलिस ने उसे पकड़कर पीछे की ओर धकेल दिया। कालीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। वह फुर्ती से उठी और विद्यालय में पड़ी दराती लेकर जीप की ओर दौड़ी।
क्या हुआ, जब सिपाहियों ने, अंग्रेजी सिपाहियों ने उसको धक्का देकर गिरा दिया, तो वो फुर्ती से उठी और दौड़कर विद्यालय से दराती ले आई। दराती यानी जिससे क्या काटा जाता है, घास काटी जाती है, ठीक है। आनन फानन में उसने जीप से बंधी रस्सी काट दी। आनन फानन यानी उसने तुरंत तेजी से क्या करा, जीप में जो रस्सी बंधी हुई थी उसको उसने उस दराती से काट दिया। अचानक हुए इस हमले से, पेज नंबर 78 पर देखो, मजिस्ट्रेट घबरा गया, ठीक है। अचानक हुए हमले से मजिस्ट्रेट भी क्या हो गया, घबरा गया, ठीक है। उसने कालीबाई पर गोलियों की बौछार कर दी। उसने क्या करा, कालीबाई पर गोलियां चला दी। वीर बालिका के रक्त से मरुभूमि लाल हो गई और जब उसके शरीर पर गोलियां लगी तो उसके शरीर से क्या हो गया, खून बहने लगा और वो पूरी जमीन जो भूमि थी वो कैसी हो गई, खून से लाल हो गई, ठीक है। उधर जैसे ही गोलियों की आवाज़ हुई, विद्यालय के सभी विद्यार्थी जीप की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही गोली की आवाज़ सुनी, किसने, विद्यार्थियों ने, ठीक है ना, बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने जैसे ही गोली की आवाज़ सुनी वो सब क्या हुए, जीप की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने जीप को घेर लिया, अंग्रेजों की गाड़ी को उन्होंने क्या कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। देखते ही देखते हजारों की भीड़ वहाँ एकत्रित हो गई और देखते ही देखते वहाँ क्या हुआ, हजारों लोग एकत्रित यानी इकट्ठे हो गए, ठीक है। उन्होंने सिपाहियों पर हल्ला बोल दिया, उन सब ने क्या किया, एक साथ हमला कर दिया, किस पर, सिपाहियों पर, अंग्रेजी सिपाहियों पर, ठीक है। सिपाहियों के हाथ पांव फूल गए डर के मारे, जब उन्होंने देखा कि इतनी सारी जनता इकट्ठी हो गई है तो उनके भी हाथ पांव फूल गए यानी वो डर गए, ठीक है, भयभीत हो गए। वे अपनी जान बचाने के लिए गोलियों की बौछार करते हुए 9:11 हो गए। वो भी क्या हुआ, जब जनता को उन्होंने देखा कि वो इतने आक्रोशित हो गए हैं, इतने गुस्से में हैं, तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से क्या हो गए, 9:11 हो गए, 9:11 हो गए यानी वहाँ से भाग गए, ठीक है। कालीबाई मरकर भी अमर हो गई। कालीबाई जो वो बालिका थी, कितने साल की थी, सिर्फ 13 साल की थी, उसने अपनी बहादुरी का वहाँ पर क्या दिया, परिचय दिया। वो निडर होकर अंग्रेजों का सामना कर रही थी, ठीक है ना, और वो क्या हो गई, मरकर भी अमर हो गई, ठीक है। अपने गुरुजी की जान बचाने के लिए उसने मौत को क्या कर लिया था, गले लगा लिया था। देशभक्त गुरु को बचाकर उसने सच्ची देशभक्ति का क्या दिया था, परिचय दिया था, ठीक है ना। इस राजस्थानी बाला के बलिदान की कहानी आज भी राजस्थान के घर घर में गूंज रही है, यानी पूरे राजस्थान में आज भी इस वीर बालिका को इसकी वीरता से पहचान मिली है, ठीक है, उसकी वीरता से उसको पहचाना जाता है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, कुछ कवि की यहाँ पर पंक्तियाँ दी, आपको कवि की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, देखो, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि, कि जिसने मरना सीख लिया है, ठीक है ना, जीने का अधिकार क्या है, उसी को है, ठीक है। जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को है, जो कांटों के पथ पर यानी जिसने क्या किया है, कठिन रास्ते को अपना लिया है, फूलों का उपहार क्या है, उसी के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे बताना, और आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। आपको नीचे माइंड मैप में दिया गया है, कुछ पॉइंट दिए गए हैं, देखिए। राजस्थान के रास्तापाल गांव के विद्यालय के शिक्षक नाना भाई खांडजी और सेंगा भाई थे। कौन कौन थे, नाना भाई खांडजी और सेंगा भाई थे, ठीक है। सेकंड में आपको दिया है, दोनों शिक्षक स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध थे, ठीक है। वो क्या करते थे, अंग्रेजी सरकार का विरोध करते थे। मजिस्ट्रेट ने विद्यालय को बंद करवाना चाहा, सेंगा को जीप से क्या किया था, उन्होंने बांध दिया था, ठीक है। मजिस्ट्रेट ने कालीबाई पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे वह क्या हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गई, ठीक है ना। आज भी राजस्थान के घर घर में उसकी शहादत की कहानी क्या होती है, सुनाई देती है। तभी 13 वर्ष की कालीबाई नाम की एक छात्रा अंग्रेजों से उलझ गई। उसने अपने गुरुजी की रस्सियों को क्या कर दिया था, दराती से काट दिया था। तो कितनी वीरांगना, कितनी वीरता से उसने क्या किया था, कालीबाई ने क्या किया था, अंग्रेजों का सामना किया था। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि भी हमें भी क्या दिखानी चाहिए, वीरता दिखानी चाहिए। जहाँ पर क्या है, गलत कार्य हो रहा होता है, वहाँ पर हमें उसका भी विरोध करना चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो हम आपको PDF में भेजेंगे, जिसे आपको हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में करना है। थैंक यू।